हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं जारी रिएक्शन। सो गाइज, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो बहुत ही गजब होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हॉरर टच है कॉमेडी के साथ, तो मज़ा आएगा इसको देखने में। और ये वीडियो है रियल हिट वालों के करके जो यूट्यूबर हैं उनकी है, और बहुत ही गजब वीडियो बनाते हैं ये। और इस बार इन्होंने वीडियो बनाई है एक्स का भूत, तो मज़ा आएगा एक्स का भूत में। और पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। सो हियर वी गो। अरे संजना, पर तुम सुनो तो। अरे वो मैं तो, अरे पर उसने तो, अरे वो तो क्या क्या मार दोगे मेरी क्या? ये हमेशा डाल दूं अपना प्यार क्या? हेलो, अबे लाइन कट गई पे भाई। अबे उसने ब्रेकअप कर लिया यार। अबे यार तेरे पास काम है तो तुझे क्यों चाहिए गर्लफ्रेंड? और वैसे भी ऐसा क्या है जो संजना दे सकती है, हम नहीं दे सकते? देख ऊपर से नीचे समझ जाएगा भाई। अरिजीत सिंह के गाने और दादू दोनों का जुगाड़ तेरा भाई करेगा, बस तू उदास हो। 200 तो ऐसा। फिर किस बात की देरी है, चल लो दारू लेने। चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी, चल हट्टी बहन की लोड़ी। यो यो हट्टी बहन के ज्यादा चढ़ा ली भाई क्या? नहीं संजना, इतना लंबा छाता मेरे में नहीं जाएगा संजना, नहीं सर। भाई उसका भूत, मां कसम उसका भूत है मां यार, मां कसम भूत। अबे भूत और वन नाइट स्टैंड ना सिर्फ फिल्मों में होता है। अबे यार भी हम रहे नशे इसको रहे हैं। तू ये ले पकड़, खाली कर दे एक बार में, पानी लेके आ रहा हूं ये अंदर शोल्डर बार। भाई शुभम, मैं सच बोल रहा हूँ यार, मेरे को वॉशरूम में आवाज आई थी यार, माँ कसम भाई मैं मुंह ने गया, मेरी टट्टी निकल गई यार माँ। शुभम, शुभम तो सुन रहा है ना? शुभम, शुभम, शुभम तो सुन रहा है ना? शुभम नहीं, सजना। भाई एकदम ऐसी आवाज थी मेरी एक्स की। अबे गंदी है, मैं हूँ तेरी एक्स। शुभम भाई तो कितनी तगड़ी एक्टिंग कर रहा है मेरी एक्स की यार। दे लफा इसको। भोसड़ी वाले उसका भूत हूँ मैं। याद आया कि मुझसे ब्रेकअप करना था ना। हाँ। मेरे मुझसे ब्रेकअप करना था ना। आज ब्रेकअप कर ले। आज आ जा ना तू। तो ब्रेकअप करवाया। मेरे दिल को ब्रेकअप करना था। आराम हराम हो चुका उसका। इतना तेज कौन काटता है? मेरी एक्स ये शांति भी इतना बुरा नहीं काटती भाई।
अभी क्या लफड़ा चल रहा है यार ये? शांति भी नहीं। सॉरी यार, मुझे लगा वो भूत सच में। इसके तो लगने वाले लग गए। चलो यार सोते, नींद खराब कर दी यार। सॉरी यार सर। यूश भाई, अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अबे देख, रात को कोई लड़का वॉशरूम में फोन लेके जा रहा हो ना, तो उससे ये नहीं पूछते कि क्यों जा रहा है। भाई तू सो जा, मैं 30 सेकंड का सेकंड मार लिया बच्चे। बहुत ही तंगवली इत्तापुरी तेरे पापा पापा से डर दिया। ये तो अपरिचित हो रही है भाई। छाता डाल के अंदर ही खोल दी। लड़की सिंगल है,
नंबर दी उसका मैं मतलब विधि के लिए देखो नई नवीली एक्स गर्लफ्रेंड का भूत सबसे खतरनाक होता है विधि करनी होगी उसके दिए हुए गिफ्ट सारे गिफ्ट ठंडा बोल रही और तुम्हारे कुछ पॉइंट चाहिए होंगे कहां के बाल पापा देखो नया नया भूत चढ़ा है सर के बाल अच्छा कोल्ड ड्रिंक से क्या भूत बन रहा है अरे नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक तो मेरे लिए है गर्मी बहुत है एक बात का ध्यान रखना होगा कभी भी इसके सामने मेला बाबू मेला सोना और सबसे इम्पोर्टेंट मेले बाबू ने खाना खाया क्या कभी नहीं बोलना अच्छा मैं समझ गया मेला बाबू मेला सोना मेले बाबू ने खाना खाया बिल्कुल नहीं बोलना समझ गया समझ गया मेला बाबू मेला सोना सब नहीं बोलना नहीं बोलना अब तो तेरा बाबू मुझे खाना खिला के खाएगा वही अर्ज किया है हमसे दूर जाओगे कैसे दिल से हमें भुला पाओगे कैसे हम वो खुशबू है जो तुम्हारी सांसों में बसते हैं खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे एक बार और हो जाए हाँ साले महफिल चल रही है यहाँ दारू और बटर चिकन और फोन ले अरे दीपक अपना फोन निकाल और सबसे पहले अब तेरी और इसकी पावर सेल्फी डिलीट कर दे अरे बाबा पावर की सेल्फी तो है एक मिनट हेलो अब लास्ट नॉट लीस्ट उसका नंबर ब्लॉक कर दे तालिका भी तू भर दो उसको फोन न लगा दे अभी कर दो अभी कर अबे ब्लॉक कर ब्लॉक कर ब्लॉक कर ब्लॉक कर अबे मैं नहीं डरता किसी से अबे ले अभी बोल देता हूँ मेरे बाबू ने थाना थाया एक और बार बोल देता हूँ मेरा सोना मेरा बाबू मेरा बेबी पीछे से अपने मुंह में मार देता हूँ और क्या दीदी मेरे मुंह से निकल गई अब कहाँ जाएगा मेरा दीपू अब दीपू के लगेंगे दीपू नताशा के लिए चुना था तुझे पता है ज्यादा सुनने लगती है तेरा उसके साथ लफड़ा चल रहा है ना पता नहीं नताशा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड वो है प्रीति प्रीति ओह
गोलमाल की याद दिला दी इससे मेरे को। ये बात तो है, लड़की वो लड़के उसे झलक होती है गई। उड़ गया भाई। बाबा खाना है। ओ भाई तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हो गया? अरे बाबा कौन है? शेर खावे हिरण और कौवा खावे दाल। ओ ओ बाबा ओ। ये सब छोड़, ये बता कि मेरी एक्स का भूत निकला कैसे? हां बेटा ये तो विधि का विधान है। जब तक तुम्हारी एक्स को लगता था उससे अच्छी दिखने वाली लड़की तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड है, तब तक उसने तुम्हें परेशान किया, और जैसे ही उसको पता लग गया कि तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड डीआईडी के धर्मेश की तरह दिखती है, तब जाके शांत हुई। चलो बाबा आपने बचा लिया, बहुत शुक्रिया। आगे बेटा चलो यार, फाइनली सोते हैं अब। यार यार बहुत थक गए यार, मैं बीच में सोऊंगा तो। अच्छा चलो यार सोते हैं भाई। ओ गजब यार, बहुत ही गजब और बहुत ही अल्टीमेट वीडियो बनाई थी और मज़ा आ गया। मतलब हॉरर टच देखने को मज़ा आ जाए अगर कॉमेडी में तो बहुत ही मज़ा आता है, खासकर और इनकी वीडियो में, रियल हिट वालों की वीडियो में अगर हॉरर टच मिल जाए तो मज़ा आ गया। ओवरऑल वीडियो बहुत शानदार थी और बहुत चीज़ें एकदम मज़ा मतलब देखने लायक थी और हंसने लायक थी और बहुत ही हंसी आई। बाकी खतरनाक है, दीपू भाई के पीछे पड़ गई थी उनकी एक्स और एक्स का भूत बड़ी मुश्किल से उतरा और उतर गया। बाकी खैर उतर ही गया क्योंकि उससे बदतर गर्लफ्रेंड मिली उसको, इस चक्कर में उसने चला चलो अब तो ये तो परेशान रहेगा, अपन से तो खूबसूरत नहीं मिली, इस कारण उसको छोड़ दिया। और ओवरऑल दूसरे लोगों का कलाकार बहुत ही शानदार है, मतलब जो एक्टिंग करते ना ये मज़ा आया था इनकी एक्टिंग देख के, और इनकी वीडियो में जो टच रहता है ना कॉमेडी के साथ मज़ा आ गया। कतई मतलब जहर थी, कतई जहर, और इस बार तो मज़ा आ गया और बहुत सी सिमिलरिटीज लगी मुझे भूलभुलैया की याद आ गई और मज़ा आ गया। बाकी पिक्चर मतलब बॉयकॉट वीडियो देख के मज़ा आ गया और खतरनाक था। सो ओवरऑल वीडियो बहुत शानदार थी, अगर आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद बाय।